आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में अब तक के इतिहास में सफेद सोना यानी कपास को वर्तमान में रिकॉर्ड भाव मिल रहा है। अब तक बड़ी मात्रा में घरों में रखा कपास किसान मंडियों में ला रहे हैं। निजी व्यापारियों द्वारा बड़ी मात्रा में कपास खरीदा जा रहा है। अब तक जिले में 1,41,950 किसानों ने करीब 18,03,627 क्विंटल कपास बेचे जाने की जानकारी दी है। आगामी दिनों में कपास के दाम और बढ़ सकते हैं। कपास की मांग काफी बढ़ने से निजी व्यापारियों ने कपास का मूल्य भी बढ़ा दिया है। जिले के विभिन्न मंडियों में कपास को अच्छा मूल्य मिल रहा है। जिले के अब तक इतिहास में इतना भाव कपास को कभी नहीं मिला है। वर्तमान में वर्धा जिले में अच्छे दर्ज के कपास 13,400 रुपये प्रति क्विंटल का भाव उन्हें मिला है। साधारण कपास को भी उम्मीद के अनुसार मिलने से किसानों में संतोष है। इससे मंडियों में कपास की आवक भी बढ़ गई है। जिले में गत 4 वर्षों से लगातार किसान प्राकृतिक आपदा का सामना करते आ रहे हैं। पिछले साल खरीफ में किसान को अच्छी फसल की उम्मीद थी, परंतु विभिन्न बीमारियों, बोगस बीज के कारण जिले में सोयाबीन की फसल 80% तक नष्ट हो गई है। ऐसे में किसानों की उम्मीद कपास की फसल पर टिकी थी, परंतु जिले में अतिवृष्टि के कारण कपास का भारी नुकसान हुआ। बची कुची जो कसर थी वो बोर्ड इल्ली ने पूरी कर दी और परिमाण भाव में जिले में कपास का उत्पादन उम्मीद के अनुसार काफी कम आया। अनेक किसानों ने कपास के पौधे तक उखाड़ फेंक दिए थे। वहीं वर्धा जिला आत्मग्रस्त जिले में आता है और बावजूद इसके किसानों को हर साल संकटों का सामना वहां करना पड़ता है। खरीफ मौसम में जिले का किसान बड़ी मात्रा में फसल लेता है। इसमें सर्वाधिक फसल कपास की होती है। लगातार 3 वर्षों से कपास पर बोर्ड इल्ली का प्रकोप जिले में देखा जा रहा था। इससे कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में घट गया। बावजूद इसके किसी तरह किसान अपनी फसल बचाता है। शुरुआती दिनों में कपास का मूल्य काफी कम था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास व सरकी की मांग बढ़ने से कपास की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। दिवाली के मुहाने पर कपास का मूल्य बढ़ने से किसानों को काफी राहत मिली थी। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।